सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। दिस इज अविजय रॉय। अभी आपको एक चीज दिखाते रुकिए। हमारे गली में ये सुबह सुबह गाय आ जाती हैं। आपकी गली में भी आते हैं सुबह सुबह ये लोग? आते हैं तो जरूर बताइए कमेंट करके। और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बस मैंने पकड़ी थी वो बस कहीं और जा रही थी, तो भैया ने मना कर दिया कि हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, आप प्लीज़ यहाँ से चेंज कर लीजिए। सो हम उतरे हैं, अब देखते हैं बस आने का वेट कर रहे हैं और देखते हैं कब तक आती है। ऑलरेडी मैं लेट तो हो ही चुकी हूँ, मैं कितना भी लेट करूँ मुझे तो लेट और ज़्यादा होना ही होना है। राइट करेक्ट में आई थी तो 9 बजे में 5 मिनट था, 10 मिनट था तभी मैं निकल गई थी। तो जिस बस में पहले बैठी थी वो बस बहुत धीरे धीरे चला रहा था, फिर मैंने बस चेंज कर लिया मायापुरी में। मायापुरी में यहाँ तक साधुवासिनी स्टैंड तक आया था वो, उन्होंने बोला कि ये बस उधर नहीं जाएगी हैदराबाद साइड में। फिर मैंने बस का वेट किया, दूसरी बस का वेट किया, अभी झंडे वाला ने इन्होंने मुझे उतारा है बस वाले भैया ने। अब यहाँ से हम कट ले लेंगे अपने ऑफिस की तरफ। मतलब कह रहे कि वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर मैं जल्दी निकलूँ या लेट निकलूँ मैटर नहीं करता। मतलब मैंने इनसे लेट ही मुझे लेट से पहुँचना है, कहने का मतलब यही है। लंगड़ होने वाला है लगता है, झंडे वाले आ रहे हैं, झंडे वाले तो फिर कालका जी के। आंटी से हाय। बात जो बारे से बात नहीं है, जय माता दी। फाइनली गाइस हम ऑफिस पहुंच चुके हैं। एज यू कैन सी आई एम सिटिंग लाइक दिस। So here some people are missing to Manisha। यहाँ पे जो हमारे प्यारे भैया हैं, मतलब उनका नाम प्यारे है, तो प्यारे भैया बड़े प्यार से चाय देते हैं, जो कि उनको हम मना करते हैं कि चाय मत लाना, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं दीदी हम आपको पिलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप पिला दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि आप हमारी वीडियो में आना चाहेंगे? तो भैया ने कहा कि नहीं हम आपको वीडियो में नहीं आना चाहेंगे। मैंने कोई बात नहीं भैया। वो तो बहुत ही प्यारा इंसान है, छोटा सा है, उनका नाम प्यारे हैं और प्यारी बातें भी करते हैं और प्यार से सबको चाय भी पिलाते हैं। वो कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगी मैं उनको, लेकिन वो रेडी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब भी कंफर्टेबल होंगे तो वो आएंगे हमारे वीडियो पे, एक दिन ज़रूर आएंगे। मैं भी वेट करूँगी। सो दिस इज़ माई टी टाइम, हैविंग टी। मैं सर टी इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? सो नेवर एवर टेक टी, बट हियर यू नो प्यारे भैया बड़े प्यार से पिला देते हैं तो हम पी लेते हैं, क्या कर सकते हैं, प्यारे भैया जो हैं वो हमारे। तो अपने घर के लिए जा रही हैं। दे
डेट लिया है, खजूर जिसको बोलते हैं, मैंने खजूर लिया है। 30 रुपये का पाव दे रहा था, मैंने पाव ले लिया। आज हमारे ऑफिस में बवाल हो गया था, जो हमारे यमराज जी भड़क गए थे मंगलम से पकड़ा वाला भाई, क्योंकि उसने बिना पूछे या पूछ करके उसने सैलरी बढ़ा दी थी जितने सारे स्टाफ थे, जो पुराने स्टाफ थे, तो इससे भड़क गया था। बिना पूछे तुमने कैसे बढ़ाई, मेरे से बिना पूछे कैसे तुम कर सकते, ये वो फलान ढिकाना। तो उसने बोला कि इतनी कम सैलरी में कोई काम करेगा तुम बताओ ना। तो पता नहीं उसने बताया था नहीं बताया था, वो तो मंगलम जानता है और यमराज जानते हैं, दोनों इससे बीच की बात है। वैसे भी जब सैलरी देने की बारी आती है ना, तो मोस्ट ऑफ दिस क्या होता है, ये है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सैलरी देने में। ठीक है, कितने का ठंडा भी है तो थोड़ा सा ठंडा दो। ले लिया है बड़े दिनों के बाद, मैं कोल्ड ड्रिंक या सब कुछ पी रही हूँ, मतलब मैं पीती नहीं कर रही हूँ, पर मन कर रहा था मेरा, बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए वैसे भी, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड समटाइम्स यू कैन टेक इट एंड अदरवाइज एवरी डे डोंट टेक इट। जी हम घर पहुंच गए जी, पर मेरी हो गई क्लास खत्म और मैं जाती हूँ किचन में। अभी तो मैंने कपड़े वपड़े कुछ चेंज नहीं किए हैं, कितनी इंटेलिजेंट इंसानों में, और देखती हूँ क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। रेस बनाया था मॉर्निंग में, अभी तक वो पड़ा है, तो मैं देखती हूँ। दूध वगैरह भी गर्मा दिया मैंने, तो जस्ट कपड़ बस चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मैं खाओ के आराम से, कुछ काम है पेंडिंग उसको करके फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई।